नंबर, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन एपी हुज फर्स्ट टर्म एंड फिफ्थ टर्म आर माइनस 14 एंड 2 एंड द सम ऑफ द टर्म्स इज 40। हम लोग ले रहे थे कि लेट ए बी द फर्स्ट टर्म डी बी द कॉमन डिफरेंस एंड एन बी द नंबर ऑफ टर्म्स इन गिवन एपी। देखिए क्या कर रहा है, कितने टर्म्स होंगे यानी एन क्या वैल्यू निकालना, जबकि फर्स्ट टर्म दिया हुआ यहां पर माइनस का 14 और फिर क्या कह रहा है कि फिफ्थ टर्म दिया हुआ है यहां पर 2, तो फिफ्थ टर्म दिया हुआ है एंड फिर कह रहा है कि सम ऑफ द टर्म्स यानी कि एस एन दिया हुआ है 40, तो फिफ्थ टर्म दिया हुआ है तो इसे ए प्लस का 4d करके हम लोग यहां से d का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, माइनस 14 प्लस का 4d इक्वल टू में 2 ये जाकर उधर ऐड हो जाएगा, तो 4d इक्वल टू में 16 ये जाकर डिवाइड में 4 आ जाएगा d का वैल्यू, ए और डी निकल गया और एस एन हमारे पास दिया ही है तो वहां से एन निकल जाएगा। तो क्या होता है फॉर्मूला, एन बाई टू 2a प्लस का n माइनस 1 इंटू में d इक्वल टू में आपका 40। चलिए अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं n बाई टू, तो n का वैल्यू कितना है, तो n का वैल्यू हमें फाइंड करना है, 2a का वैल्यू माइनस का 14 है और प्लस n माइनस 1 d का वैल्यू यहाँ पर 4 है इक्वल टू में 40। एक काम करते हैं यहाँ से हम लोग देखिए क्या करते हैं, अंदर से अगर आप कॉमन करोगे तो 4 कॉमन हो जाएगा, n बाई टू इंटू में 4 कॉमन करेंगे तो यहाँ देखिए क्या आ जाएगा, माइनस का 7 प्लस का n माइनस 1 इक्वल टू में 40। इसे ये 2 टाइम्स में इसको ले जाएंगे 2 को डिवाइड में बच जाएगा n इंटू में n माइनस का 8 इक्वल टू में इधर 20 आ जाएगा। चलिए अब इसका फैक्ट यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एन स्क्वायर माइनस का 8n इधर माइनस 20 इक्वल टू 0। अब इसका फैक्टर करते हैं, एन स्क्वायर माइनस का 10n प्लस का 2n माइनस का 20 इक्वल टू में 0। एन कॉमन होगा n माइनस का 10 बच जाएगा, यहाँ पे 2 कॉमन होगा n माइनस का 10 बच जाएगा, दोनों ब्रैकेट में सेम है, n माइनस 10 को कॉमन कर लेते हैं तो n प्लस 2 इक्वल टू में 0, अलग अलग कर दो n माइनस 10 इक्वल टू में 0 और n प्लस 2 इक्वल टू में 0। तो यहाँ n का वैल्यू 10 जो कि नेचुरल नंबर है और n का वैल्यू यहाँ माइनस 2 जो कि नेचुरल नंबर नहीं है, देयरफॉर n का वैल्यू क्या हो जाएगा 10 होगा, है ना, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स इन द गिवन एपी क्या हो जाएगा 10 टर्म्स है एपी में। समझ गए कितने टर्म्स है 10 टर्म्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि द सम ऑफ फर्स्ट 7 सम ऑफ द एपी इज 10 एंड That the next 7 term is 17. अच्छा next 7 term का सम जो है यहाँ पे 17।